टैलेंटेक्स 2023 SPS यानी सक्सेस पावर सेशन, एक ऐसा एग्जाम जिसमें देश भर के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, अपीयर होते हैं अपनी काबिलियत पहचानने के लिए। और आज SPS प्रोग्राम में अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने देश के कुछ चुनिंदा स्टूडेंट पहुंचे हैं जिन्होंने टैलेंटेक्स एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो चलिए क्यों ना देखते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स कहां से पहुंचे हैं और आखिर टैलेंटेक्स एग्जाम उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, पूरे देश में टैलेंटेक्स का बोलबाला है और ऐसे में जानना चाहूंगी कि आप देश के कौन से हिस्से से आए हो। हम अमरावती महाराष्ट्र से, जयपुर से आए। हम लोग बैंगलोर से आए हैं। भोपाल से, रायपुर छत्तीसगढ़, गाजियाबाद से आए हैं। हम तो बेसिकली भुवनेश्वर से हैं पर हम रहते हैं यहाँ कोटा में हैं। हम लोग भोपाल से बिलोंग करते हैं। ओडिशा भुवनेश्वर से। मैं उड़ीसा से, रावत भाटा। मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से हूँ। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। अच्छा मैम, इतनी कम उम्र में बच्ची को टैलेंटेक्स के बारे में कैसे जानकारी मिली, कैसे अपनी काबिलियत पहचानने के लिए बच्ची को मोटिवेट की? एलन के जो एड्स रहते हैं यूट्यूब पे वगैरह, उस पर से हमको मालूम पड़ा। हमारे स्कूल में ही ऑर्गेनाइज हुआ था, बल्कि मेरे भाई और मम्मी ने, स्कूल के थ्रू पता चला था हमें। एक्चुअली मेरी मम्मी ने इस एग्जाम के बारे में रिसर्च किया था। आई गॉट टू नो अबाउट टैलेंटेक्स फ्रॉम माय मदर। मैं 6 में और मुझे ये ऑनलाइन पता चला और फ्रॉम माय फादर ओनली आई गॉट टू नो। बड़े ब्रदर जो है वो भी एलन में ही है, एलन वेबसाइट से ही पता चला था। अच्छा, टैलेंटेक्स आपके लिए क्या है? आपको क्या लगता है ये एग्जाम आपकी एज के बच्चों के लिए क्यों जरूरी है? हमारी प्रोग्रेस बताता है बहुत अच्छे से, हम पूरे इंडिया में कहाँ स्टैंड करते हैं इसके बारे में नॉलेज देता है और हमें अपने खुद को टेस्ट करने का एक अच्छा मौका मिलता है, बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है, उनका स्किल डेवलप करता है। एग्जाम से हमारी पोजीशन बताते हैं कि हम नेशनल लेवल में किधर। ये एग्जाम एबिलिटी चेक करता है, प्लस आपको रैंक देके आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। हाँ, इससे हमको अपना स्टैंडर्ड पता चलता है, हमारा लेवल और कितना हम मेहनत करेंगे वो आगे हमको पता चलता है। तो कॉम्पिटिटिव माने उसका लेवल कैसा है उसको पता चलेगा। बच्चा का ग्रोथ होता है और उसका फ्यूचर के लिए भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। बहुत इंस्पायरिंग होता है और मोटिवेटिंग होता है। बच्चों के लिए जरूरी इसलिए क्योंकि दे गेट एनकरेज, मोरल बूस्टिंग होती है उनकी, और सबसे ज्यादा जब कैश प्राइज मिलता है तो बच्चों को और अच्छा लगता है कि हम कुछ, वी आर अर्निंग समथिंग। मैडम, ये खुद के पोटेंशियल को मेजर करने के लिए बहुत ज़रूरी है और इस तरीके के स्कॉलरशिप टेस्ट से बच्चों को एनकरेजमेंट मिलता ही है, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एक स्पिरिट आती है, वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ आकर कैसा लग रहा है? इट्स अ ग्रेट फीलिंग, ग्रेट अरेंजमेंट एंड वेरी वेल, वार्म वेलकम। तो आपको लगता है कि टैलेंटेक्स एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिससे और स्टूडेंट जो है वो भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं? शुड बी कनेक्ट ऑफ ईच एवरीबॉडी पर्सन। आई थिंक दे कैन गेट देयर अचीवमेंट्स और देयर टारगेट्स और गोल्स बाय हियर। कैसा लग रहा है आपको यहां? इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग टू कम हियर एंड बी ऑन सच अ बिग स्टेज। और स्टूडेंट है आपको देख रहे हैं, इवन आपके क्लासमेट्स भी हैं, उनको क्या कहना है? I would encourage them to give this exam. This gives the exposure on bigger level, and if we can come to such a level, we get more exposure about it. आपके बेटे ने एग्जाम क्लियर किया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सब बच्चों से यही उम्मीद करूंगी कि इसी तरह करें और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें। बहुत अच्छा लगा, यहाँ की हॉस्पिटलिटी, अरेंजमेंट, एवरीथिंग इज वेरी गुड। सो लाइक हमने कल इंस्टीट्यूट भी विजिट किया, सर से बात की, खांगर सर से मिले, अरविंद थोरेचा सर से मिले, सो वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड कि हमने मतलब बहुत अच्छी एग्जाम दी है और स्कॉलरशिप बहुत अच्छी मिली है, 90% स्कॉलरशिप, रैंक भी अच्छा है टैलेंटेक्स का, तो बच्चों को मोटिवेशन भी अच्छा मिल रहा है यहाँ पे आने के बाद। इतना ऐसा फील कर रहा है कि हम सेलिब्रिटी के पेरेंट्स हैं। What's your name? प्रीशा कोठारी। आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? और साथ ही आपने जब एग्जाम दिया था तो आपने सोचा था वाकई एग्जाम क्लियर होगा तो उसके बाद मुझे ये सब देखने को मिलेगा? It's really honoring coming here and like the experience is absolutely amazing, the hospitality, everything is just perfect, it surpassed our expectations for that part. जब आप एग्जाम दे रहे थे तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे कि मैं इनका आंसर कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आपने किया और अब आपको लग रहा है? The questions were like
conceptual and challenging. So yeah, there were a few questions on which I was a little dicey, but really happy that they were correct, I guess. Yeah, sure, definitely. मैं हाईली रिकमेंड करूँगा बच्चों को दैट दे हैव टू अपियर फॉर टैलेंट टेक्स एग्जाम, बिकॉज ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अपना टैलेंट दिखाने का एक मौका मिलता है एंड डेफिनेटली यू गेट रिवॉर्डेड फॉर द सेम एज वेल एज इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ से आप और ऊपर जो है जा सकते हैं. सो आई वुड हाईली रिकमेंड टैलेंट टेक्स फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट. बहुत अच्छा है यहाँ का, बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत ही हॉस्पिटलिटी जो भी अरेंजमेंट है बहुत शानदार है. इतना तक तो हम लोग नहीं सोचे थे लेकिन बहुत ही अच्छा है. कहाँ से आए हैं? जयपुर से. ओके, तो आपको लगता है कि वाकई टैलेंटेक्स एग्जाम जो है वो एक ऐसा एग्जाम है जो बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करता है? जरूर, बहुत अच्छा एग्जाम है, बच्चे में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है तरह के रैंक लाने से. व्हाट्स योर नेम? आदित्य. कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे. जब पहला एग्जाम हुआ था उस वक्त ऐसा था कि मार्क्स काफ़ी कम आ रहे थे, बहुत टफ पेपर आया था, दोस्तों से भी बात हुई थी तो यही चल रहा था कि बहुत टफ पेपर आया है, तो कभी ये नहीं सोचा था कि टॉप 20 में AI या रैंक आ जाएगी मेरी, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर. जो और स्टूडेंट आपको देख रहे हैं स्पेशली आपके क्लासमेट जो हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि LN बहुत अच्छा है. यहाँ पे जो टैलेंटेक्स एग्जाम होता है वो काफ़ी बड़े स्टेज पे एक तरीके से आपको दे देता है कि कैसा कॉम्पिटिशन रहने वाला है आपको. IIT JEE से पहले ये एक अच्छा कंपटीशन होता है. जैसे इस साल ऑलमोस्ट NTSC का भी कुछ फाइनल नहीं है तो उस हिसाब से वहाँ उस लेवल पे कंपटीशन काफ़ी अच्छा देता है ये. एज अ पेरेंट्स आप सब बहुत खुश हैं लेकिन जो दूसरे पेरेंट्स आपको देख रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे और टैलेंटेक्स वाकई कितना है? मैं सबको यही कहूँगा कि LN है तो मुमकिन है. आप बच्चे को मेहनत करने दीजिए, LN आपके बच्चे के हाथ पकड़ के अच्छी से अच्छी ऊंचाई तक लेके जाएगा. LN एक ऐसा लॉन्चिंग पैड है जो बस बिल्कुल आपको जो मैक्सिमम जेनिथ है, होराइजन है, वहाँ तक पहुँचाएगा. कहते हैं कि अगर LN है तो आपको कभी भी डार्कनेस फील नहीं होगा. और थैंक यू LN, मैंने आपका एकेडमिक्स का बच्चे के रूप में परफॉर्मेंस देखा और आज मैंने LN का ये दूसरा रूप देखा जहाँ आपने इतनी शानदार हॉस्पिटैलिटी दी, हमारा स्टे, हमारा अरेंजमेंट, एवरीथिंग, यू टेक केयर लाइक एनीथिंग. थैंक यू सो मच LN. LN है तो मुमकिन है. यहाँ पे मैडम पहले भी बहुत अवसर मिले आने के, पहले IGSO में भी बच्चा प्रिलिमिनरी क्वालिफाई किया था तो उसमें भी आए थे, अभी स्टूडेंट चैंप में भी आए थे. बहुत अच्छा लगता है, LN की हॉस्पिटैलिटी तो शानदार है ही सही और एकेडमिक्स के दृष्टि से अगर देखें तो फैकल्टी इतनी केयरिंग और इतनी वो है कि मेरे को लगता है थोड़े दिनों बाद तो बच्चा शायद हमें भूल के इधर के टीचर्स को ही अपना पेरेंट्स समझेगा. फर्स्ट रैंक आई है, कैसा फील कर रहे हैं और जो और स्टूडेंट्स हैं उन्हें आप? बहुत अच्छा लग रहा है. पहली बात तो फर्स्ट रैंक आई है, मतलब सोचा नहीं था पर ऐसा अंदाज़ा लग गया था कि मार्क्स में अच्छे आए हैं मार्क्स. और जैसे हमारी क्लास में बहुत अच्छे बच्चे, मतलब हमारा स्टार बैच है तो हम क्या है कि खुद से एनालिसिस करके पेपर का अंदाज़ा लगा लेते किसके कितने मार्क्स आएंगे, तो आंसर के आने से पहले ही हमने अप्रॉक्सीमेट कर लिया था तो मतलब अंदाज़ा लग गया था. पर अच्छा लगता है, मतलब अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो अच्छा रैंक आता है तो. और जब एग्ज़ाम देने के लिए आप गए थे तब आपको डर लग रहा था या फिर कोई एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगा था यार मैं ये सॉल्व नहीं कर सकता लेकिन आपने किया? मतलब मेंटल एबिलिटी मुझे हमेशा मतलब ऐसे रही है, उसके अंदर कुछ चैप्टर्स जैसे इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर उसके अंदर मुझे हमेशा डर लगता रहा है लेकिन पता नहीं दो क्वेश्चन आया गलती से मुझसे एक हो गया तो मैं बहुत खुश हूँ. गाइड करने के लिए LN है जो कि बेस्ट डेस्टिनेशन है और ये जो है LN की गाइडेंस और बच्चे का जो मोटिवेशन है, बच्चे की मेहनत है, उसी का कॉम्बिनेशन है कि इसकी मतलब बच्चे की रैंक टैलेंटेक्स में अच्छी आया है. तो आप ये मानते हैं कि बच्चे की मेहनत तो है ही लेकिन एक सही गाइडेंस मिलना भी ज़रूरी है जिसकी वजह से? नहीं, मेहनत के को किस डायरेक्शन में करना है वो तो गाइडेंस से और वो LN ही है जो ये सब कर सकता है. और अगर ये बच्चा यहाँ पर ये पाया है तो इसका मतलब ये LN ही है जिसकी वजह से पाया है, ये तो है ही सही. अगर हम LN नहीं आते तो बहुत कुछ मिस कर चुके होते हैं तो उसमें कोई बात ही नहीं, डाउट ही नहीं कि ये है. तो आपने देखा स्कॉलरशिप मिलने के बाद में बच्चे और माता पिता कितने ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं. अगर आप सब भी टैलेंटेक्स के माध्यम से अपना करियर संवारना चाहते हैं तो अभी से कड़ी मेहनत करना शुरू कर दें और अगली बार इस मंच पर हमारा हिस्सा बनिए.